नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। सावन के महीने में भगवान मनु कामेश्वर को प्रसन्न करने और उनसे आगामी समय में कोरोना रोग को दूर करने की प्रार्थना को लेकर नरसिंहपुर के करकेली में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस कांवड़ यात्रा में बरमान के सप्तधारा घाट से मां नर्मदा का जल लाकर मनु कामेश्वर पर अर्पित किया गया। हर साल की भांति इस साल भी नरसिंहपुर की करेली में सावन के सोमवार पर मनु कामेश्वर पर जल अभिषेक करने की बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे। प्राकृतिक हरियाली के बीच कांवड़ियों की भगवा यात्रा सावन को और भी खूबसूरत बना रही है। सप्तधारा घाट से पदयात्रा कर मनु कामेश्वर मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान मनु कामेश्वर के शिवलिंग पर जल अभिषेक किया और उनसे कोरोना महामारी को दूर करने की प्रार्थना की। ये यात्रा हमारे करेली से नगर से निकली है बरमान के लिए मनु कामेश्वर मंदिर से, और वहाँ से बरमान से नर्मदा जी का जल लेकर आए हैं और मनु कामेश्वर भगवान का अभिषेक पूजन किया जा रहा है। इस कांवड़ यात्रा में नगर के साथ नरसिंहपुर जिले के साथ आजू बाजू के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों ने अपनी सहभागिता दी है और बहुत अच्छे जयकारों के साथ बम बोलों के साथ ये कांवड़ यात्रा सफल हुई है। और नगर में ये प्रार्थना की गई है नगर के कांवड़ यात्रियों ने कि भारत में अब ये कोरोना की दस्तक फिर से ना हो और ऐसा आशीर्वाद दे भोलेनाथ कि अब ये हम इस कोरोना से हमेशा के लिए निजात पा लें। बोलो महाकाल बाबा की जय। नरसिंहपुर से प्रभात ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।